हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के पार्ट फोर से जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट किंगडम प्रोटेस्टा इसके बारे में ऑल सिंगल सेल यू आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्टा यानी कि जितने भी सिंगल सेल ठीक है सिंगल आपको पता ही है एक सेल वाले यू होते हैं उनको हम किसके अंदर पुट करते हैं वो वी पुट कैटेगरी ऑफ प्रोटेस्ट होती है वो काफी वेल डिफाइंड होती है काफी अच्छे से मतलब बेटर वे में होती है डिस्टिंक्ट होती है बट यहाँ पे जो बाउंड्री होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती इट इज नॉट वेल डिफाइंड बहुत क्लियर नहीं होती है

एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटेस्टा तो इसमें हम इन सारी चीजों को प्रोटेस्टा के अंदर डालते हैं एक और चीज प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है तो यू डोंट हैव टू थिंक गलत प्रोनाशियशन है या फिर सही प्रोनासीशन आपकी गलत है या कुछ भी हो सकता है किसी का बोलने का तरीका अलग हो तो काफी अलग हो जाती है नो no प्रॉब्लम एक बार नेट पे चेक कर सकते हैं दोबारा से जब जह, जहां भी आपको लगे कि शायद सही नहीं है ठीक है नो मेंस ऑफ प्रोटेस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक यानी कि ये कौन से होते हैं ये मोस्टली पानी में रहते हैं ठीक है Thank <laughs> you. दिस किंगडम फॉर्म्स आर लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल एंड फंजाइ प्रोटेस्टा का लिंक क्या होता है बाकी जो प्लांट होते हैं मतलब और जो बाकी एनिमल्स हैं इन सब के साथ इनका लिंक होता है बींग यू कैरियोड द प्रोटेस्ट सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्रेन बाउंड ऑर्गेनलाज यानी होता क्या है बींग यू कैरियॉर्ड क्योंकि ये यू कैरियॉर्स होते हैं हमने यहाँ भी पढ़ा था कि ये सिंगल सेल यू के

हेल्प करते हैं। प्रोटेस्ट रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस सेल फ्यूजन एंड फॉर्मेशन होता क्या है जो प्रोटेस्ट होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं ए

हुआ और गोल्डन एलगी इंक्लूड हुआ जिसको बोलते हैं Now, ये वाटर में जो कम सॉल्टी वाटर होता है river, lake, इन सब में भी मिलते हैं ज़्यादा सॉल्टी प्लस सी टाइप का जो एक्वेटिक एनवायरमेंट होता है वहां पे भी मिलते हैं ठीक है दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड वाटर करंट टोन्स देखो माइक्रोस्कोपिक होते हैं यू कैन नॉट सी एंड दे ये देटर करंट प्लैंगटोन जू प्लैक्टोन फाइटो प्लैक्टॉन ये आपने सुना होगा टम तो आप वहां से लिंक कर सकते हैं नाउ इनमें से बहुत सारे मोस्ट ऑफ देम आर फोटो सिंथेटिक दैट मीनस दे कैन प्रिपेयर देअर ओन फूड दे कैन यूज द सनलाइट टू प्रिपेयर देअर ओन फूड

डाय आइटम्स की जो शेल्स होती है ना वो एक दूसरे में फिट होती हैं एज वॉट एज जैसे सोप बॉक्स आप बंद करते हो उसकी तरह फिट हो जाती है द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस वॉल्स आर इन इंडिस्ट्रक्टेबल यानी कि जो इसकी वॉल्स होती उस उसपे क्या होता है कवरिंग होती है सिलिका की किसकी कवरिंग होती है सिलिका की कवरिंग आपको देखने को मिलेगी इसलिए यू कैन से कि ये जो वॉल्स होती हैं दीज आर इंडिस्ट्रक्टेबल आप इनको खराब टूटती तो, नहीं है जल्दी खत्म नहीं होती हैं दूसरी चीज अगर डायटम्स आपसे कोई पूछे कि ठीक है ये तो बुक में लिख दिया कि सिंगल सेल के हिसाब से क्या होते हैं तो दीज आर सिंगल सेल एलगी ठीक है सिंगल सेल एलगी होते हैं जो कि एक ऐसे घर में रहती हैं जो कि ग्लास से बना है तो ग्लास का घर क्यों बोला गया है बिकॉज ये जो सिलिका है अपियरेंस कैसे देता है इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ग्लास उसके अलावा ये काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं कार्बन फिक्सेशन के अंदर एंड

तो आपका क्या होगा ग्रिटी होंगे रफ होंगे और ग्रिटी और रफ होने की वजह से ये पॉलिशिंग में ठीक है कि किसी चीज को जैसे आप देखते हो ना सैंड पेपर यूज होता है किसी चीज को चमकाना हो तो, तो उसमें यूज होते हैं द ओशन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो एक्वेटिक फूड्स uh, पूरा आपका होता है ना चेन वो स्टार्ट होता है तो ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं टू रन द फूड चेन ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़े नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी आपको क्या करना है थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि अगर मैं क्राइसोफाइट की बात कर रहे थे तो उसके अंदर क्या चीज थी क्या अलग था डायनो की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या था आपको थोड़ा इस तरह से याद रखना है यू डोन्ट ऐसे याद रखना नहीं है कि उसके अंदर ऐसा बोला था इट्स नथिंग लाइक दैट ठीक है ना डायनोफ्लैजेट्स की बात अगर हम करते हैं गेनिज्म आर मोस्टली मराइन मरीन मरीन भी बोल सकते हैं एंड फोटो सिंथेटिक कहा ज्यादा मिलेंगे ये पानी में मिलेंगे प्लस कौन से पानी में जो सी वॉटर होता है वहां पे बहुत ज्यादा मिलेंगे ये एक्वेटिक एज इन आपका एक्वेटिक भी ले लो एक्वेटिक इज द सेम थिंग बट फ्रेश वॉटर एंड मरीन में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फ्रेश वाटर में इतने नहीं मिलेंगे जितने आपको सी की साइड मिलेंगे आगे एक एग्जाम्पल भी दूंगी जिससे थोड़ा क्लियर होगा ये सॉरी दे अपियर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड ये सारे कलर में ये देखने को मिलते हैं और डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये कलर आ रहा है द वॉल हैज स्टिफ सेलोस प्लेट ऑन द आउटर सरफेस जो सेल वॉल होती है उसके पास क्या होता है सेल्यूलोस प्लेट्स होती है यानी कि अगर समझ लीजिए सेल वॉल है तो उसके बाहर स्टिफ सी क्या है सेल्यूलोजिक प्लेट्स हैं आउटर सरफेस पे बाहर की सरफेस पे सेल्यूलोस आपको पता ही है ना कि जो जैसे जिन प्लांट्स वगैरह जो हैं वो उसके अंदर जो सेल स्ट्रक्चर होता है लीव्स होती हैं दीज आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्यूलोस ठीक है और जैसे फंजाई के अंदर इट इज डिफरेंट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन सो जैसे चटिन भी बोलते हैं कुछ लोग बट काइटिन बोलते हैं तो प्लांट्स के अंदर वो सेलूलोर्स होता है ठीक है मोस्ट ऑफ देम हैव

या फिर आपने ऊपर से uh, कुछ चल सॉरी <laughs> <Sorry. laughs> और आपने ऊपर से कुछ कट करा तो दैट वुड बी ट्रांसवर्सरी और uh, सो so, अगर ऊपर से कट हुआ तो दैट वुड बी लाइक इस तरह से कट हुआ तो दैट वुड बी ट्रांसवर्सल कट और ऐसे आपने कोई चीज करी दैट वुड बी लॉन्गिट्यूडनल तो इनके पास दो फ्लैजुला होते हैं एक लॉन्गिट्यूडनली लाया करता है एक ट्रांसवर्सली लाया करता है और किस में एक फ्यूरो एक होल टाइप का होता है बिटवीन द वॉल प्लेट्स जो प्लेट्स समझ लीजिए उनकी सेल वॉल के बाहर प्लेट्स हैं ठीक है उस प्लेट्स के अंदर अगर होल है तो वहां से ये क्या करता है ये जो आपके फ्लैजुला होते हैं ये उससे पास होते हैं वेरी ऑफ एन रेड डाइनो फ्लैटलेट जिसका नाम भी दे रखा है गोनियोलिक्स जो रेड डायनोफ्लैजुलेट होते हैं वो इतना जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं इतना रेपिडली मल्टीप्लाई करते हैं कि उनकी वजह से क्योंकि बहुत जल्दी वो फैलते हैं तो पूरा सी रेड लगने लगता है अगर आप देखोगे रेड टाइड आप सर्च करो देजुलेट रेड डायनोफ्लैजुलेट से क्योंकि और कलर में भी पाए जाते हैं टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एस फिश हाँ अगर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए बहुत ज्यादा फैल गए तो यस उनके उनसे ऐसा टॉक्सिन रिलीज हो सकता है जो कि मरीन एनिमल्स को मार सकता है किल कर सकता है ठीक है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज यूग्लीनोइड्स ठीक है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर अब इनमें से मेजॉरिटी क्या होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं मैंने आपको बताया था फ्रेश वाटर में जो सॉल्ट होता है वो काफी कम होता है एंड इट इज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर स्टेग्नेट वॉटर मतलब रुका हुआ पानी तो सॉल्ट वॉटर में यानी सॉरी जिसमें पानी में सोल्ट नहीं है यानी कि फ्रेश वॉटर में रिवर का पानी हो गया लेक का पानी हो गया उनमें ये मिलते हैं प्लस दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वॉटर जो रुका हुआ पानी है तो रिवर में मुश्किली मिलेंगे बिकॉज इट ऑलरेडीट वाटर इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल पैलिकल विच मेक देअर बॉडी फ्लेक्सिबल तो देव अ प्रोटीन रिच लेयर प्रोटीन से कोई प्रॉपर लेयर नहीं है उनकी एक लेयर है पैलिकल Uh, जिसको पेलिकल बोलते हैं सॉरी दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर प्रॉपर प्रोटीन से बनी हुई uh, क्या कहते हैं लेयर है जिसको पेलिकल बोलते हैं जो उनकी बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल बना देती है ताकि वो इजीली मूव कर सके दूसरी चीज दे हैव टू फ्लैजिला एक शॉर्ट फ्लैजिला है एक लॉन्ग फ्लैजिला है ठीक है दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन डिपराइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रोफ्स देखो वैसे तो वो फोटोसिंथेटिक है अगर धूप आ रही है प्रॉपरली सब कुछ मिल रहा है तो दीज आर फोटोसिंथेटिक बट अगर फोटोसिंथेटिक uh, नहीं है तो क्या होगा दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक हेट्रोट्रॉफ्स कैसे बिहेव करेंगे एंड डज डू दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल तो अभी तक तो ये फोटोसिंथेटिक थे बट जब उनको पूरी हर चीज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुए तो क्या बन गए ये तो ये बन गए हेट्रोट्रॉफ जो कि दूसरे एनिमल्स पे फीड करना शुरू कर देते हैं नाउ इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूगलेनॉइड आर आइडेंटिकल टू प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स उसने ने क्या बोला कि जो युगलीनाइट का पिगमेंट है वो किससे काफी हद तक सिमिलर है जो कि हायर प्लांट्स में समझ लीजिए इसके अंदर एक पिगमेंट है तो वो जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट देखने को मिलता है वो भी क्या होता है प्रेजेंट होता है Uh, क्या कहते हैं सॉरी वो उनके अंदर भी देखने को मिलता है जो यूगोनॉइड में देखने को मिलता है ठीक है तो इसकी क्वालिटी फटाफट से अगर हमें पढ़नी पड़े तो दे आर फाउंड दे पैलिकल इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सीबल होती है दे हैव टू फ्लैजिला एक शॉर्ट है एक लॉन्ग वन है दो दे आर फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भले ही फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट जब प्रॉपर फोटोसिंथेसिस यानी नहीं हो पाता धूप नहीं होती या चीजें कम अवेलेबल होती है सनलाइट नहीं होती सो दे बिकम हेट्रोड्रोव एंड दे स्टार्ट फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स राइट नाउ स्लाइम मोल्ड्स पे आ जाते हैं यस yes. स्लाईमोल आर सेप्रोफाइटिक प्रोटेस्ट अगर मैं आपसे बोलूँ की वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेप्रोफाइट्स आपने आज तक पढ़ा है हेट्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स में क्या डिफरेंस होता है एक तो सेट्रोट्रॉप heter दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं सेप्रोफाइट्स जो होते हैं दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग चीज़ें जो खराब हो रही होती हैं डेड होती हैं उन पे फीड करते हैं द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इनकी बॉडी कैसे मूव करती है समझ लीजिए लकड़ी के टुकड़े हैं छोटे छोटे से पत्तियाँ हैं उन पे मूव करेंगी और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना उसको वो धीरे धीरे फीड करना शुरू कर देगी अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल प्लाज्मोडियम जब सुटेबल कंडीशन मिलती है तो वो एक एग्रीगेशन इकट्ठा झुंड टाइप बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो कर सकता है बहुत लंबा लाइक बहुत लंबी दूर दूर तक स्प्रेड हो सकता है सेवरल फीट तक ठीक है और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है लाइक like फेवरेबल में तो वो स्प्रेड हो रहा है प्लाज्मोडियम बना रहा है बट अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये जो प्लाज्मोडियम है ना ये जो उसने बनाया था ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा और फ्रूटिंग बॉडीज छोटी छोटी सी मतलब तो होता है ना अगर एक एक साथ ग्रुप में था अलग होकर छोटी छोटी बॉडीज बना लेगा जिसमें स्पोर्स होंगे उसकी टिप पे द स्पोर्ट्स पोजेस ट्रू वॉल्स और ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना इस पे क्या होता है वॉल्स होती हैं प्रॉपर वॉल्स होती हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स ना वट इज द रीजन बिहाइंड आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बिकॉज अनफेवरेबल कंडीशन है दे नीड टू सर्वाइव फॉर दे आर सर्वाइवल देव एज यू नो दे लिव इन प्रॉपर कवर्डेड वॉल्स एंड दट्स वायट हेल्प डेम टू प्रॉम एडवर्स कंडीशन कोई खराब कंडीशन में उन्हें बचा के रखता है उसके बाद जो ये स्पोर्ट्स होते हैं इनको हवा ले जाती है दे आर यू नो टेकन अवे बाई द एयर करंट ठीक है एयर करंट इनको लेके जाते हैं नर्टिकुलर पार्ट का जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर जो लास्ट पार्ट है जो हमें पढ़ना है दैट इज प्रोटोजोआस ठीक है वो अभी हम पढ़ते हैं अब स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ से हम लोगों को पढ़ना है प्रोटिस्ट के अंदर ये लास्ट पार्ट है प्रोटोजोआ जस्ट मी अ मिनट यस All protozoans are heterotrophs, सारे के सारे प्रोटोह जैसे अभी तक पहले जो हम पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था की जैसे स्लाइमोल्ड्स हो गए या आपके सारी चीजें क्या है जो की फोटोसिंथेटिक uh, थे they, uh, they were और वर्स कंडीशन में कुछ ऐसे थे जो की हेट्रोट्रॉफ्स uh, में कन्वर्ट हो रहे थे लेकिन प्रोटोजोआ का ये है कि ऑलरेडी क्या होते हैं हेट्रोट्रोप्स होते हैं एंड दे लिवर स्प्रेडेटर्स मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं जो दूसरों को फीड

ंग आउट सूडोफोडिया वो क्या करते हैं वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं कैसे वो सूडोफोडिया जिसको बोलते हैं फॉल्स फीड जैसे कि एम एबा में निकलता है उनमें वो उसको मतलब बड़ा करते हैं एक्सटेंड करते हैं एंड देन दे कैप्चर देअर प्रे मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देअर सर्फेस जो मरीन फॉर्म्स होती हैं मरीन फॉर्म्स एज इन जो आपको क्या कहते हैं सी में देखने को मिलेंगी ओशंस में देखने को मिलेंगी दे हैव सिलीका शेल्स सिलिका से बनी हुई शेल होती है और सिलिका इज वेरी हार्ड टू डिस्ट्रॉय

बिल्कुल आ, अलग से रहेंगे या फिर वो किसी पर डिपेंडेंट होंगे ठीक है अब फ्लेजुलेटेड प्रोटोजोआ है तो दे हैव फ्लैजिला उनके पास फ्लैजिला होता है और जो ये पैरासिटिक फॉर्म होती है ना इनकी यानी कि जो दूसरों पर डिपेंडेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करती है वो कुछ ऐसी बीमारियां करती है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस सिकनेस स्लीपिंग में क्या होता है काफी सारी सिम्टम्स होती हैं फीवर वगैरह भी आता है और उसके अलावा इंसान कंफ्यूजन होने लगती है भूलने लगता है तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्लीपिंग सिकनेस नाउ सिलोटोसुआ प्रोटोजोआ की अगर मैं बात करूँ वो क्या होते हैं एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिलिया होगा फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोआ जिनके पास फ्लैजा था तो ये क्या होते हैं एक्टिवली मूविंग ऑर्गैनिज्म होते हैं काफी ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारे सिलिया होते हैं आपने देखा हो ये जो बाहर अगर कोई चीज है उसके बाहर ये स्ट्रक्चर के बाहर ये चीज होती है तो इसको सिलिया बोलते हैं ये तो मैंने ऐसी रफ डायग्राम बना दिया आपको एक समझाने के लिए बोला है इनके पास एक कैविटी गुलेट को बोला गया है वो होता है जो कि सेल सरफेस की बाहर की तरफ खुलता है द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया होती है ना ये इस तरह से मूव करती है इनकी कोऑर्डिनेशन में इस तरह से मूवमेंट होती है कि क्या होता है समझ लीजिए पानी बाहर है ठीक है और इस पानी के अंदर खाना है समझ लीजिए ये जस्ट मिनट ये क्या है इस ये हमारा खाना हो गया तो ये क्या करती है इसको ना इसकी मूवमेंट इस तरह से होती है कि ये इजीली उस गलेट तक पानी को ले जाती है तो सिलिया की मूवमेंट इस तरह से होती है कि गुलेट यानी जो कैविटी है वहां पे खाना पहुंच जाता है उसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है पैरामीशियम

मलेरिया होता है मलेरिया में मॉस्किटो वर्क एज अ वैक्टर दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मॉस्किटो की वजह से नहीं फैलता है मॉस्किटो उसको फैलाता है बट एक्चुअल जो बीमारी कर रहा है वो क्या होता है प्लाज्मोडियम Pla करता है प्लाज्मोडियम फेल्सी पर और भी बहुत सारे होते हैं जो क्या करते हैं विच कॉजेज मलेरिया अ डिजीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन अब तो फिर भी डिजीज है मतलब उसके uh, कहते हैं ना काफ़ी कहते हैं दवाइयाँ और ये चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं बट देर वॉज अ टाइम जब कोई सोल्यूशन नहीं था तो पीपल यूज टू डाई बिकॉज ऑफ मलेरिया तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है फॉर फॉर द बेड रीजन एंड ये हमने मोस्टली पढ़ लिए सारे कवर कर लिए प्रोटोसोआ जिसमें हमने पढ़ा अबाउट एमेबॉइड प्रोटोजोआ हमने पढ़ा फ्लैजलेटेड प्रोटोसुआ प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआ अच्छा एक और चीज इसके अंदर हमने क्या क्या देखा अगर हम बात करें किंगडम प्रोटेस्टा की तो क्राइसोफाइट्स हमने पढ़ा जिसमें सोप बॉक्स के बारे में पढ़ा डायटम्स के बारे में पढ़ा डिसमिट्स के मतलब ये सारी चीजें पढ़ी उसके अलावा सॉरी जस्ट अ मिनट यस फिर हमने पढ़ा हमारा ये डायनोफ्लैजेलेट्स यूग्लीनोइड्स स्लाइम मोल्ड्स एंड लास्ट में हमने पढ़ा प्रोटोजोआ इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट किंगडम फंजाइ और इसके पहले के पार्ट में हमने डिटेल में पढ़ा है अबाउट यू बैक्टीरिया तो ये सारी चीज़ें आपको जो सीरीज है ना डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसमें मिल जाएंगी और आगे इसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए मैं थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट करूँगी जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए वरना सीधे आप डायरेक्टली प्ले पे जाइए ट्वेल्थ की प्ले है इलेवंथ की प्ले है हर टॉपिक की एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें एनसीआर को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है आप उसको देख सकते हैं वरना डायरेक्टली प्ले में जाइए आपको अपने मतलब का काफी कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच